सो हे गाइस, दिस इज पीयूष एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में दोस्तों आप लोगों ने जो उम्मीद दी है उनको दोस्तों कंफर्म है बस्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है, तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो भैया फर्स्ट मिनट में बोलते हैं स्टेप वन कार को स्पॉन करो, गन को लो। स्टेप थ्री कार के पास जाओ। स्टेप फाइव एंड ड्राइव ऑप्शन सेवन टाइम क्लिक करो। स्टेप फाइव कार के पास जाकर देखो मैजिक। तो सबसे पहले ना हम लोग कहते हैं कार को बुला लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गन लेंगे, फिर कार के पास जाएंगे, फिर उसके बाद फायर और कहते हैं ड्राइव वाले ऑप्शन पर सेम टाइम पर क्लिक करना हम लोगों ने, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने गन लेनी है, ठीक है। ओ भाई साहब, ये क्या कमाल की चीज हुई है यार, मतलब लाइट्स देखते हो कितनी कमाल की आ रही है। चलो नाइट मोड में जाके देखते हैं, फिर लेते गन। ओ हाँ सही में कैसे रही है, मिथ कन्फर्म्ड है इसकी। दोस्तों देख सकते हो लाइट कितनी ज्यादा कमाल की आ रही है। नेक्स्ट मिनट होता है हेलीकॉप्टर 11 20 1 7 क्लिक करो, फिर करेक्टर गिरने से पहले हेलीकॉप्टर को उड़ाओ मैजिक देखो। तो चलो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हेलीकॉप्टर लेके आना है। और उससे पहले दोस्तों जो 11 20 है आपको पता होगा उससे बंदा हवा में चला जाता है, तो हमको इन्फिनिटी हेल्थ लगाना होगा वरना दोस्तों हमारी जो पावर है कम हो जाएगी। तो हमने इन्फिनिटी हेल्थ लगा दी है। अब दोस्तों 11 20 डायल करके हम लोग ऊपर जाते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग ऊपर चले गए यहाँ पर, और अब देखते हैं दोस्तों कमाल क्या होने वाला है। हम लोगों ने हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया सेम टाइम पर। ओ भाई कमाल की चीज़ है दोस्तों यार, ये कमाल की चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पर हमें। तो यहाँ पर ये पता क्या हो रहा है, देख सकते हो मैजिक क्या है, हमारा हेलीकॉप्टर अलग और हम अलग ही चल रहे हैं। मतलब ये देख सकते हो हमारे सामने हेलीकॉप्टर है, हम लोग ड्राइव भी हेलीकॉप्टर कर पा रहे हैं हाथ से अपने, ठीक है। और हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे भी नहीं है, तो मतलब ये मिथ भी कैसे कमाल का लग रहा है। दोस्तों देख सकते हो कितनी दूर चला गया हेलीकॉप्टर, और यहाँ से हम बैठे बैठे यार ड्राइव कर रहे हैं। मतलब यार मेरे को मतलब विश्वास नहीं हो रहा, और ये क्या चीज़ हो रही है मतलब। तो इस तरह ये वाला मिथ भी दोस्तों हमारा कन्फर्म्ड हो जाता है। नेक्स्ट मिथ में बोलते हैं ब्रो प्लीज़ ड्राइव 40-50 से आप अच्छी बाइक आ जाती है। तो क्या बोलते हैं, सही बात है। तो 40-50 जैसे हम लोग डायल करते हैं तो जी हाँ गैस यार अपाची बाइक आ जाती है। तो इसके अंदर देखते हैं दोस्तों कलर वाला चेंज होता है इसका, तो कलर तो गैस यार चेंज वेंज नहीं हो रहा है इसके अंदर, लेकिन गैस यार अपाची बाइक आ जाती है। तो इस तरह दोस्तों ये वाला मिथ भी दोस्तों कन्फर्म्ड हो जाता है हमारा। तो गैस यार नेक्स्ट मिथ की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट मिथ आता है गैस के हम पल्सर 500 को मिक्स कलर करेंगे तो वो थोड़ी मॉडिफाइड जैसी हो जाएगी। तो क्या बोलते, सही बात है। तो सबसे पहले दोस्तों 5000 से पल्सर को लेके आते हैं, और यहाँ देखते कलर करते हैं सबसे पहले इसके अंदर येलो ग्रीन ब्लू। तो ये सब कलर करें, मॉडिफाइड तो नहीं लग रही है, लेकिन देखते हैं दोस्तों। ओ हाँ गई सर, एक चीज़ दोनों नोटिस करने वाली है कि इसकी जो रिम में है ना, रिम में तो उसमें भी दोस्तों कलर चेंज हो रहा है, और बाइक्स में शायद मेरे ख्याल से नहीं होता। तो एक बाइक को लेकर आते 3000 से, ठीक है। तो वो कावासाकी है, तो इसके अंदर कर रहे हैं। हाँ गई सर, देख सकते हो इसके अंदर हम कलर कर रहे हैं, तो सिर्फ दोस्तों प्रॉपर का चेंज हो रहा है। यहाँ देख सकते हो ग्रीन वैसी का वैसी है, लेकिन उसके अंदर दोस्तों सब चीज़ चेंज हो रहा है जैसे कि आप लोगों ने देखा। तो ये मिथ भी कन्फर्म्ड है। अगर नेक्स्ट मिथ में बोलते हैं ज़ॉम्बी को स्प्रे करो फिर कोई भी कार में बैठो जाओ फिर भी आपको डैमेज होगा ज़ॉम्बी से, तो मेरे ख्याल से तो ये नहीं होता, क्योंकि दोस्तों अगर ज़ॉम्बी को मतलब डैमेज करना है हमको तो हम कार में अगर बैठ गए तो ज़ॉम्बी हमें डैमेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने ज़ॉम्बी का जो चीट कोड है वो लगा दिया है, ठीक है। और कार को भी स्पॉन कर लिया यहाँ पर 9000 मतलब 900 से। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ज़ॉम्बी मार दो रहे पर हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इससे हमारी हेल्थ कम नहीं हो रही। तो चलो कोई छोटी सी कार ले लेते हैं जिससे हमें हो सके। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया लैम्बोर्गिनी। तो दोस्तों यहाँ हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, तो यार कहीं सर यहाँ पर नहीं हो रहा, तो ये मिथ भी दोस्तों बस्टेड है। नेक्स्ट मिथ में बोलते हैं भाई अगर आप न्यू शोरूम कार रूम में जाकर ऊपर वाले फ्लोर पे जाओगे फिर उसके एंड वाले विंडो पर जाओगे तो उसका इन्फिनिटी फॉल ग्लो करते दिखेगा। क्या बोलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कार शोरूम पे आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो और ऊपर जाना हम लोगों ने एंड में, और इसके यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर के एंड में जाना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्फिनिटी ग्लो करते हुए दिखेगा। जी हाँ कैसे यार देखने को मिल रहा है, यहाँ ना आसमान देखने को मिल रहा है, मतलब जो क्या कहते हैं स्काई होता है वो कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। विंडो है पता नहीं क्या है, लेकिन उस साइड से चलो देख के आते क्या सीन है यहाँ पर भी। तो इस वाले मतलब बिल्डिंग में हम लोग आ चुके हैं, तो यहाँ तो गई सर कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, पूरी दीवार गई सर वैसी की वैसी है। तो गई सर यहाँ पर ये मिथ कन्फर्म्ड हो जाता है। नेक्स्ट मिथ बोलते हैं नाइट मोड में शोरूम के पास जाओ वहाँ की लाइट बहुत ज़्यादा अलग है। तो देखते हैं दोस्तों सबसे पहले, तो हम लोग शोरूम के पास आ चुके हैं, यहाँ नाइट मोड कर लेते हैं 9 से, और यहाँ टाइम चेंज हो चुका हमारा। और यहाँ कलर तो दोस्तों हाँ लाइटिंग तो दोस्तों अलग है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अलग लाइटिंग है, और ये मिथ कन्फर्म्ड हो जाता है। नेक्स्ट मिथ में बोलते हैं कार शोरूम के ऊपर हेलीकॉप्टर रखेंगे तो हेलीकॉप्टर नीचे चला जाएगा। तो यहाँ दो तरीके से हेलीकॉप्टर रख सकते हैं, एक खुद उड़ाकर और एक खुद स्पॉन कर रहा। सबसे पहले हम लोग स्पॉन करते हैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर को, तो हम लोगों ने स्पॉन करा तो हेलीकॉप्टर तो आया नहीं वापस नीचे, तो वहीं का वहीं है। तो अब दोस्तों हम लोग हेलीकॉप्टर को पहले क्या कहते हैं मंगा लेते हैं, फिर ड्राइव करके लेके जाएंगे, ठीक है। तो ड्राइव करने के लिए दोस्तों उससे पहले हम लोग यहाँ पर ड्राइव कर लेते हैं। तो यहाँ ओ हाँ गई सर, यहाँ पर देख सकते हो कांच है, तो शायद कांच से मतलब ये जो हमारा क्या कहते हैं
हेलीकॉप्टर वो नीचे चला जा रहा है, और वैसे आए तो नहीं जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि दोस्तों मैंने चेक करा है यहाँ पर, वैसे ये मतलब देख सकते हो कार के अंदर जा रहा है। अगले मिथ में बोलते हैं, अगर आप फायर गन को नाइट मोड में फोड़ोगे तो स्काई शॉट की तरह फूटेगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारा मतलब कहते हैं एरी हमारी बंदूक, और यहाँ पर ऊपर तो हम फोड़ रहे, तो यहाँ हाँ उसकी तरह फूट तो रहा है। लेकिन एक मेरे पास आइडिया है, ऊपर आपको एक स्लो मोशन का बटन दिख रहा है जिससे सब कुछ स्लो मो में हो जाता है। तो सबसे पहले उस पर हम लोग क्लिक करके देखते हैं, ट्रिक लगाते हैं सबसे पहले, ठीक है। उस पर हम लोगों ने क्लिक करा तो यहाँ पर सब स्लो हो गया, ठीक है। अब देखो दोस्तों इस तरह मारोगे, फिर दोस्तों आप लोगों ने ना गन चेंज कर लेनी जो सबसे ज्यादा जूम होती है, उस चीज से दोस्तों हमें बहुत से परफेक्ट दिखेगा वो हमारा स्काई शॉट। तो अभी हम देखते हैं कहां गया हमारा, ओहो वहां पर है, देख सकते हो। ओ भाई साहब कितना कमाल का लगा इसे यार, मतलब ये कमाल की चीज है, ये भाई ने बताया जो कि है बहुत कमाल की चीज़ है। और मैंने दोस्तों इस कैलती से स्लो में करके दूसरे गन से व्यू ले रहा हूँ, तो यहाँ से देख सकते हो तो जो सबसे ज़्यादा जूम होता है उसी गन से, तो मतलब कमाल का लग रहा है यार, मतलब दिवाली यहाँ ही बन रही है हमारी। तो देख सकते हो ये हमारा जा ही रहा है। ओ भाई साहब ये वाला मिथ भी कैसे इस तरह कन्फर्म्ड हो जाता है। तो यार कैसे आज की वीडियो इतनी, अगर आपको यार कैसे यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर यार लाइक करके जाना दोस्तों, और कमेंट सब कर देना एक प्यारा सा, जिसमें दोस्तों आप अपना मिथ भी बता सकते हो और कौन से रिलेटेड वीडियो चाहिए वो भी बता सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो में इतना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को जो सब्सक्राइब करना।